जय गणेश, मैं हूं नरेश एस्ट्रोलॉजर और आज का ये वीडियो है कन्या राशि के लिए अगस्त 2016 कैसा रहेगा उसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे आपके राशि के अधिपति ग्रह बुध ग्रह के बारे में। तो बुध जो है वो चल रहे हैं आपकी राशि से 12वें स्थान के अंदर। 19 अगस्त 2016 तक राशि से 12वें स्थान के अंदर चलने वाले बुध आपके लिए शुभ नहीं है। बुद्धि उल्टे मार्ग पर चल सकती है। कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में आपको नहीं लेना चाहिए। 19 अगस्त 2016 के बाद बुध चलेंगे आपकी राशि के अंदर, जो भी आपके लिए मध्यम प्रकार के माने जाएंगे, क्योंकि जब चंद्र के ऊपर बुध चलते हैं तो माइंड बहुत वाइब्रेंट हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। बात करेंगे ग्रह मंडल के राजा ग्रह सूर्य ग्रह के बारे में। तो सूर्य महाराज आपकी राशि से 11वें स्थान में चल रहे हैं 16 अगस्त 2016 तक, जिसके चलते हुए आपको बिजनेस में तो लाभ होने वाला है, मित्रों से भी लाभ होने वाला है, लेकिन ये सूर्य महाराज की दृष्टि पड़ती है पंचम स्थान के अंदर, जिसके चलते हुए आपको थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है लव मैटर में, और संतानों के साथ भी थोड़ा सा टेंशन हो सकता है, और लव मैटर में माइनर डिसअपॉइंटमेंट रहेगी, और जो भी जातक पढ़ाई कर रहे हैं उनको पढ़ाई में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। 16 अगस्त 2016 के बाद सूर्य चलेंगे राशि से 12वें स्थान के अंदर। तो 12वें स्थान में सूर्य का भ्रमण भी शुभ नहीं है। 12वें स्थान में सूर्य चलते हुए आपको कोर्ट कचहरी इत्यादि कोई कार्य आता है तो उसमें आपको विशेष सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना होगा, उसमें आपको लॉसेस हो सकते हैं। गवर्नमेंट रिलेटेड कार्य में भी लॉसेस हो सकते हैं। फादर के साथ भी रिलेशनशिप में केयर करना होगा, आंखों की विशेष केयर करें और अपने ओवरऑल हेल्थ के बारे में भी विशेष केयर करें। तो कुल मिला के जो ये मंथ का तात्पर्य निकलता है इस प्रकार है, 16 अगस्त 2016 के बाद का जो समय है वो आपको शांति से पास करना है। एक अगत्य की ट्रांजिट हो रही है इस मंथ के अंदर। गुरु ग्रह आपकी राशि से 12वें स्थान से निकलकर आपकी राशि के अंदर चलेंगे 11 अगस्त 2016 को, जो कि आपके लिए शुभ बनने वाले हैं। जब जन्म के चंद्र के ऊपर से गुरु चलेंगे तो ये साल जो आने वाला 11 अगस्त 2016 के बाद का जो समय है वो आपके लिए बहुत शुभ है, क्योंकि गुरु कॉन्स्टेंट दृष्टि करेंगे पंचम स्थान के अंदर, जिसके चलते हुए आपके संतान रिलेटेड कार्य हो सकते हैं, संतान संबंधी कार्य हो सकते हैं, संतान के साथ जो आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो उसमें आपको इम्प्रूवमेंट मिल सकता है। जो भी जातक न्यू मैरिड हैं, संतान इच्छुक हैं, उनको संतान के लिए संतान प्राप्ति हो सकती है। जो भी जातक पढ़ाई कर रहे हैं उनको पढ़ाई में सक्सेस मिलेगी। जो भी जातक अविवाहित हैं उनको विवाह के योग बनेंगे, और ये गुरु आपके भाग्य में वृद्धि करने वाले बनेंगे। खास करके आपको डेट्स टेक केयर करना है इस मंथ के अंदर, वो इस प्रकार हैं 22, 23 और 24, जिसके अंदर चंद्र चलेंगे मेष राशि में। तो मेष के जो चंद्र हैं वो राशि से अष्टम स्थान के चंद्र बनते हैं। अष्टम चंद्र में आपको पानी से सावधान रहना है, व्हीकल ड्राइव में केयर करना है, और कौटुंबिक एवं आर्थिक बाबतों में विशेष केयर करना है। तो ये था प्रेडिक्शन अगस्त 2016 कन्या राशि के लिए। यदि आपके कोई मित्र हैं कन्या राशि वाले तो ये वीडियो आप उनको ज़रूर शेयर करें, कमेंट्स करें चैनल पर, कमेंट्स करें वीडियो पर, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करवाइए चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।